हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एग्जाम ओरिजिनल्स मेरा नाम है निखिल जैन और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर जो कि अभी काफी न्यूज में भी है सेम सेक्स मैरिजेस क्या है ये सेम सेक्स और इसका क्या इशू है ठीक है तो आज ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है सेम सेक्स मैरिज को लेकर तो चर्चा करते है क्या चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सेम सेक्स मैरिज है इसकी डिमांड किसने की है सेम सेक्स मैरिज की डिमांड की है एल प्लस कम्युनिटी ने राइट right? हमारे भारत में जो एल जी बी टी क्यू प्लस कम्युनिटी है उसको शादी का अधिकार नहीं है राइट सेम सेक्स सेक्स मैरिज जिनके सेम है वो आपस में मैरीज नहीं कर सकते राइट सेम सेक्स से होमोसेक् मैरेजेस आर नॉट अलाउड इन इंडिया एंड हेट्रोसेक्सुअल मतलब वो कपल्स ही आपस में मैरी कर सकते हैं विच आर हेट्रोसेक्सुअल्स विच टू डिफरेंट सेक्स मैन एंड वुमन मेल एंड फीमेल राइट सो जिनके सेक्स सेम है वो इंडिया में मैरी नहीं कर सकते हैं दैट वॉज द

जिन लोगों ने अभी डिसाइड नहीं करा है कि उनका जेंडर क्या है राइट right? वो मेल जेंडर के साथ रिकॉग्नाइज करेंगे तो आप so so right so देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या रहा है सो so देखो सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लाइंट टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज राइट सो सुप्रीम कोर्ट ने आज मेजोरिटी जजमेंट में बोला है कि यू नो यू नॉट गिविंग द राइट टू मैरी ठीक है पांच अलग अलग वर्डिक्ट आए पांच की पॉइंट के सबसे पहले हम उसको समझते हैं ठीक है फर्स्ट पांच जज की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने मेजोरिटी जजमेंट में सबसे पहला जो आपका जजमेंट है वो बोला है कि देर इज नो फंडामेंटल राइट टू मैरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजेंट गिव यू एनी फंडामेंटल राइट टू मैरी राइट

marriage act to which allows, which allows us for inter-caste marriages as well as interfaith marriages means you know hindu religion may you can marry inter-caste under this special marriage act as well as interfaith right hindu can marry muslim and all these things so it would be legally recognized under the special marriage act but you know supreme court refuses to read this as a gender neutral they wanted lgbtq community to want it to read supreme court this provision as gender neutral act और जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन बट यहां पर मना कर दिया यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट यहां इस प्रोविजन को जेंडर न्यूट्रल करके इस तरीके से इंटरप्रेट करेगा तो जिस ये बनाया गया है। वो Court इसमें जाना नहीं चाहता यह किसका डोमेन है यह पार्लियामेंट का डोमेन है लॉ मेकिंग इज द डोमेन ऑफ पार्लियामेंट सो पार्लियामेंट शुड मेक लॉ रिगार्डिंग वेदर टू गिव लीगल रिकॉग्निशन टू सेम सेक्स मैरिज और नॉट सो इट इज अंडर द एम्बेट ऑफ पार्लियामेंट अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी तो यह क्या हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का ओवर रीच हो जाएगा जो डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है मतलब हमारे यहां जुडिशरी की पावर अलग है एग्जीक्यूटिव की पावर अलग है और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की पावर अलग है राइट तो ये सारी पावर इंटरमिक्स हो जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास लॉ मेकिंग की पावर नहीं है सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली इंटरप्रेट लॉ सो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला कि यह पार्लियामेंट डिसाइड करेगा राइट पार्लियामेंट डिसाइड करेगा लीगल राइट right देना है कि नहीं अभी जो एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है किसी भी लॉ में ये वाला राइट right मिला नहीं है एलजीबीटी कम्युनिटी को तो हम अपने मन से नहीं दे सकते तो ये एक मेजर जजमेंट का पॉइंट है आपको जो मैंने बताया इसके बाद एक और बात आती है वो आती है द लास्ट पार्ट ऑफ दिस जजमेंट इज सिविल यूनियन यहां पर सीजीआई जी और जस्टिस कॉल उन्होंने बोला कि हम सिविल यूनियन का अधिकार आपको देते हैं बट जो अदर तीन जजेस हैं उन्होंने इस अधिकार को देने से मना कर दिया सो so, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिविल यूनियन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने एल कम्युनिटी को देने से मना कर दिया मेजोरिटी जजमेंट में थ्री सिविल यूनियन एक्चुअली होता क्या है क्या होता है कि सिविल यूनियन इज अ टाइप ऑफ मैरिज आप लीगलाइज नहीं कर रहे हो मैरिज को तो एक काम करो आप सिविल यूनियन का अधिकार दे दो उन्होंने बोला एल क्यू कम्युनिटी अब सिविल यूनियन का अधिकार अगर आप दे दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप ना ये रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि उनको कुछ लीगल राइट्स मिल रहे हैं कपल को हु आर लिविंग टुगेदर राइट कुछ लीगल राइट्स जैसे कि इनहेरिटेंस राइट प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट ठीक है राइट्स इस टाइप के कुछ कुछ राइट्स उनको मिल जाएंगे अगर आपने सिविल यूनियन का स्टेटस उनको दे दिया एलजीबीटी टू एलजीबीटी क्यू को तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया और बोल दिया पहले पार्लियामेंट अपना स्टैंड क्लियर करे क्या है पार्लियामेंट इस पर लॉ बनाए और इस पर आगे उसके बाद ही चर्चा हो सकेगी सो दिस इज द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक आई होप आपको ये समझ आया हो और आप चाहें तो हमारी प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है एग्जाम ओरिजिनल्स की उसमें एनरोल करके आप अपनी जो एमपीपीएससी की तैयारी है उसको एक अलग मोड दे सकते हैं इसके अलावा हमारा फुल कोर्स चल रहा है क्रैश कोर्स चल रहा है इस क्रैश कोर्स में भी आप एनरोल होकर तैयारी काफी अच्छे से कर सकते हैं ओके सो थैंक यू गाइस एंड अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी